नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कल के दिन हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लेवल रहना चाहिए और हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए। और उससे पहले मैं अगर आपके अपनी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल की बात करूं, आपके स्क्रीन के साइड में आ रहा हूं, जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। आज मैंने अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे मार्केट ओपन होने से पहले लिख दिया था कि डाटा जो व्यू है वो तो ग्रीन है, बट मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग हो रहा था। इसीलिए मैं बोला था कि इफ मार्केट ओपन ह्यूज गैप अप देन FIIs फ्रोज जो है वो बुक सम प्रॉफिट, सो मार्केट विल कम डाउन इन फास्ट हाफ। एंड सेकंड पॉइंट लिखा था, सो फास्ट हाफ लिटिल सेल टू साइडवेज, बिकॉज लॉजिकली ये बात बनता था राइट। और आज पूरे दिन वही हुआ, पहला ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया और वही रेंज में ही घूमता गया, मार्केट नीचे आया। बैंक निफ्टी को आप देख सकते हैं क्लियरली, जैसे ही बोला था प्रीमियम ग्रुप पे, कोई वॉइस क्लिप पे ही बोल के रखा था प्रीमियम ग्रुप पे, को आज कोई बड़ा मोमेंटम होने वाला है नहीं, वही साइडवेज रहेगा ठीक है। तो चलिए देखते हैं यार कल के दिन हमारा निफ्टी अवेलेबल होना चाहिए। और आप अगर अपनी प्रीमियम जो हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं। कल जो मैंने लेवल दिया था 1000 या 900, मतलब बहुत अच्छा मोमेंटम दिया जो मैंने लेवल देकर रखा था कल फ्री टेलीग्राम चैनल पे, आपके स्क्रीन के साइड में आ रहा होगा, जल्दी से फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आज कल रात मैंने 12:30 के आसपास सब कुछ लेवल अपडेट कर दिया था, बट गैप ओपनिंग हुआ, सारे लेवल इनवैलिड। देन आप देख सकते हो 33,926 मैंने दिया था मार्केट ओपन होने से पहले, वो तो ब्रेक किया, थोड़ा सा मोमेंट दिया। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल की मैं बात करूं तो वहां पे और एक भी मैंने लेवल दे के रखा था, आप देख सकते हो 33,943, वो भी देखिए आज के पूरे दिन आप देख लीजिए उसी लेवल को रेस्पेक्ट किया। आप जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार वही लेवल को टच करके ऊपर जाता रहा, मैं कहा कि इसको ब्रेक करेगा सेलिंग प्रेशर आएगा, और फाइनली देखिए यहां पे ब्रेक किया, सस्टेन किया, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया और यहां पे रुक गया मार्केट ठीक है। तो जल्दी से जाओ, एक्यूरेसी ओपन चैलेंज बोलता हूँ 80-90% है फ्री टेलीग्राम पे, जो भी लेवल देता हूँ बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, जाओ यार ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पैसा नहीं लग रहा है, बिंदास जाओ ज्वाइन करो और एंजॉय करो एनालिसिस का, और सब कुछ प्रीमियम मिलता है ठीक है। चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए ठीक है। सिंपल निफ्टी को देख लीजिए, निफ्टी आज क्या किया, गैप ओपनिंग हुआ, पूरे दिन एक रेंज में ही घूमता रहा, तो हमारा बहुत ही क्लियर कट और स्वीट सा ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए, कोई सिंपल मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल। कल अगर 15,134 के निफ्टी अगर ऊपर चला गया तो हम बाय करके चलेंगे, अगर कल देखिए ध्यान सुनिए, अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हुआ थोड़ा सा और यहां से ऐसे करके रिवर्स करके अगर 15,134 अगर टूटा तो इसके ऊपर हम बाय करके चलेंगे, टारगेट रहेगा 15,215 तक। कल अगर समझ लीजिए निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हुआ और वहां से नीचे आना चालू कर दिया और 15,043 अगर तोड़ दिया ना, तो सीधा 14,958 आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपल। अगर बीच में फ्लैट ओपनिंग हो रहे हैं यही घूमता रहा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका पैसा बचा के रखना है राइट। कैसे पैसा बचाते हैं, अगर मेरे आप ज्वाइन करोगे ना मेरे लेवल, जब जब एक्टिवेट नहीं होता तब तब मार्केट साइडवेज रहता है, जब एक्टिवेट होता है तब 300-400-500 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलता है, तो जाओ यार ज्वाइन कर लो ठीक है। आपको समझ में आ गया निफ्टी में क्या करना है, कितना सिंपल, देखिए बैंक निफ्टी का चलिए बात कर लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं यहां पे ठीक है, बहुत ही सिंपल सा बैंक निफ्टी भी देखिए, कोई बच्चा भी बोल रहे कल क्या करना है, बोले गैप ओपनिंग हुआ वही रेंज में घूमता रहा तो हम कल क्या कर सकते हैं, 34,142 के अगर ऊपर गया, ध्यान से सुनिए, तो टारगेट रहेगा 34,360, अगर 34,360 तोड़ दिया तो ये कंटिन्यूसली ऊपर जा सकता है ठीक है। और देखिए ऐसा भी आप बोल सकते हो कि ये एक कंटिन्यू कल मोमेंट किया, आज ये क्या कर रहा है, हॉल्ट करके साइडवेज जा रहा है, थोड़ा वोलेटाइल हुआ, कल भी साइडवेज जाके अगेन ऊपर का मोमेंटम चालू करेगा ना तो रॉकेट की जैसा ऊपर भागेगा ठीक है। क्लियर हो गया आपको ऊपर का लेवल, कल बैंक निफ्टी को सेल कब करना है, देखिए ये जो इतना बड़ा गैप है ये कहीं ना कहीं फिल भी कर सकता है भाई, तो कल अगर फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हो गए अगर सडनली 33,730 लेवल को अगर तोड़ने लग जाए तो आप सेल कर सकते हो, टारगेट रहेगा 33,459 तक। क्लियर हो गया, इसके बीच में अगर रहा तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, चुपचाप बैठना है अपने मनी को लेके ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो एंड अपने मम्मी पापा को बहुत सारे प्यार दीजिए। स्क्रीन के ऊपर कोर्स का पूरे के पूरे डिटेल्स आ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट लोग कैसे काम करते हैं, कल कैसे प्रॉफिट किया, हर दिन कैसे प्रॉफिट करते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, और आपको मेरे कोर्स ज्वाइन करना है तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर कंटेंट आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे मैं पढ़ाता हूं, वो भी बहुत ही कम फीस में ठीक है। और आप प्लीज आप सब सीखने पे ध्यान दीजिए ना कि कॉल टिप पे, सो दैट डेफिनेटली आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी से जाओ मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, अपने माँ बाप को बहुत सारे प्यार दीजिए, उनका केयर कीजिए क्योंकि आपके माँ बाप ही सब कुछ है दुनिया में ठीक है, सो दैट उनको प्यार कीजिए और मार्केट तो चलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड सी यू।